आप ये वीडियो देखें, इसके बाद कुटापा कुटापा हो गया कुटापा। वैसे कुटापा बहुत हुआ, लेकिन इनके जो फेवरेट इन्होंने बर्बाद कर दिया, इरफान पठान को जो एक ओवर 25 रन देके चला गया। अदरवाइज एंड में आपके आरपी सिंह वगैरह ने अच्छी बॉलिंग करा दी, थोड़ा पुल बैक किया। फिर भी यार पाकिस्तान चैंपियंस लेजेंड्स लीग में 243 फॉर 4। अब ये आईपीएल में इस बार हमने देखा था, बहुत बार 250 बना भी, 250 चेज भी हुआ हैं, आपको स्कोर कार्ड वगैरह भी दिखाएंगे। कुटापा बहुत हुआ, धुलाई बहुत हुई, स्पेशली जो ओपनर्स ने मारा ना, जंगली भैंसा कामरान अकमल आपके पीछे ऐसा पूरा उत्पात मचा के रख दिया उसने नदी नाले के अंदर, और साथ में शर्जील दूसरा गेंडा, एक गेंडा और जंगली, दोनों के दोनों उन्होंने मिलकर उत्पात मचाया। उसके बाद मकसूद भी मार गया यार, मकसूद एक और मनहूसियत, तूने बोला मकसूद नहीं मारेगा, तूने बोला शर्जील क्या कर लेगा उसने मार दिया, तूने बोला कामरान अकमल भैंसा है उसने मार दिया, तूने उसको गेंडा मारा उससे मार दिया, सारे डायनासोर, तूने बोला कि हमारा इरफान पठान आके विकेट लेगा वो एक ओवर 25 रन दे गया, हर बंदे को तूने पनौतियां लगा के भर दिया, और लास्ट में नाच रहा है कि पाकिस्तान जीत जाएगी। बताइए आप कैसा इंसान है ये पीपी प्रियांशु पाकिस्तानी। खैर 200 उनकी बॉलिंग में थोड़ा बेटर लग रहे हैं हमसे बॉलिंग, और हमारे बैटर में क्योंकि यूवी भी नहीं है आज, सिबल तो ऑब्वियसली नहीं मारा बहुत है, बट लेकिन बात ये है ना कि जब स्कोर 220 से ऊपर चला जाता ना, चाहे वो लेजेंड लीग हो चाहे वो आपका 243 लेवल मैचेस हो, बहुत लेकिन यार एक बात है ना, आपने थोड़ा सा कम कर लिया ना, मोमेंटम लेके गए हो, बट लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जैसा शर्जील खेला, जैसा कामरान खेला, एडू खेल सकते हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग है, हमारे पास ना बॉलिंग में एक दिक्कत लगी मुझे कि भले ही मूव रहा थोड़ा बहुत, लेकिन पेस नहीं था पाकिस्तान के पास, वो पेस थोड़ा सा ज्यादा बेटर है। 40 बॉलों में 77 भाई साहब, ये भैंसा कामरान अकमल जो बन के आए थे, 4 छक्के 192 की स्ट्राइक रेट, उसके बाद शर्जील डबल, द गेंडा 30 बॉलों में 72 रन भाई, 7 चौके 5 छक्के 240 की स्ट्राइक रेट यार। चलो ये दोनों तो गए गए, उसके बाद ये शोएब मकसूद, ये अलग ही आ गया, मकसूद ने सूद समेत वापस ली, 26 बॉलों में 51, 2 चौके 5 छक्के 196 की स्ट्राइक रेट भाई साहब। शोएब मलिक ने हमें बचाया, अदरवाइज 101% का 260 प्लस था। क्या तुड़ाई करी है कामरान अकमल ने, शर्जील खान ने और शोएब मकसूद ने, लेकिन हमारे पास भी बैटिंग है पांडे जी, ऐसे मैंने बोला 250 नहीं बना यार आपने, इस बार आईपीएल में देखा था चेज हो रहा था। मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंडियन बॉलिंग में एक चीज मिसिंग थी, क्या मिसिंग, पेस नहीं था उतना, तो उनके पास पेस हो, उनकी पेस होगी भाई, ठीक ठाक हो जाएगी यार, आप देख रहे हो काफी टाइम के बाद बॉलिंग करा रहे हैं, आप भी अभी दो मैचेस मैंने देखे हैं, पाकिस्तान जो दो मैचेस जीता है दोनों के दोनों देखे, इंडिया की बैटिंग तकड़ी हुई है, बट लेकिन देखते हैं यहाँ पे क्या करते, क्योंकि यहाँ पे 240 का दबाव है यार। एक सेकंड, पिछले गेम में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट आपने कितने बनाए थे, 229, मैं तो बोल रहा हूं 229 बनाए थे ना दोस्तों, पहले बैटिंग करते हुए बॉस, अरे बनाए तो थे ना, तूने जो इरफान पठान को भस्म करा, वो एक ओवर 25 रन दे गया बेचारा यार, वो भस्म थोड़ी करा, पूरी जिंदगी उसको पड़ोसी नाच नाच के दिखाएंगे कि देख ले यार, वो तो उसने खुद गंदी बॉलिंग करी, उसमें मेरा क्या यार, एक और बार पाकिस्तानी चैंपियंस 243 फॉर 4 इन 20 ओवर्स, मतलब कि आपको भाई साहब देखो रन तो ज्यादा है आपको 320 के अंदर अंदर, मतलब 225 तक भी चलो गेटेबल था, लेकिन 18 रन 18 हो गए, चौका है यार भाई साहब, इधर फील्डर होता है कभी पहली बॉल पे चौका, इरफान की वेट कर रहा था, वो भी इरफान की वेट कर रहा था, उसकी स्ट्राइक भी ऊपर हो गई 45, लेकिन वो 27 पे 60 है शर्जील, तो खैर वो तो रुक ही नहीं रहा, वो तो हर बॉल पे घुमा रहा है। क्या सोच के आपने बॉलिंग कराई थी आज, पता नहीं, फिर वो यार ऊपर से नहीं, चौका ये भी ऊपर से, इरफान पठान की वेट हो रही थी, बैक टू बैक बाउंड्रीज, दो बॉल दो आ गया उसका, ले हेलो हार्दिक, वो भैंसे के 50 हो गए, हेलो हार्दिक क्या हो रहा भाई भाई, क्या वो ट्वीट कर भाई, कहना कहना आसान है, ट्वीट करना आसान है, और इससे पहले कामरान अकमल के रन नहीं बन रहे थे इस टूर्नामेंट में, पता है, हां रन नहीं बना रहे थे, इसकी 180 की स्ट्राइक रेट हो गई उसकी ऑलमोस्ट भाई, वो 230 कर रहे हैं, मैं तोड़ दिया, अब वो बस बल्ला चला रहा है कि आ जाओ बेटा, अब तो भाई उसका काम तो हो भी गया, लेकिन दोस्तों विकेट और भी इरफान भाई लेंगे, फिर चौका ले, तीन बैक टू बैक बाउंड्रीज, इरफान पठान की वेट कर रहे हैं, शॉट बॉल डाल रहे हैं, कटान इरफान पठान को कटान कर दिया, आप क्यों नाम लिया आपने, इरफान पठान सभी पिट रहे, उनका नाम क्या लिया, सभी पिट रहे, किसी का नाम नहीं, सब पिट रहे, तीन चौके लगातार, ब्रेक थ्रू आपको हरभजन सिंह ही दिला रहे हैं जी, भाई क्या कर रहे हो यार, दोस्तों टेंशन हो रही है, हो गए क्या बताओ,
इनके पाकिस्तान लेजेंड्स बोल रहे भाई चलो हम कुछ तो जीत के दिखा दे, हमारी टीम तो कुछ हमें खुशियां दे रही, हमारे मुल्क को लेजेंड्स वाली गेम्स ही देखनी चाहिए। विकेट कीपर आगे बढ़ा लिया, आपको याद है वो बंदा, एक मुल्क जिसमें इतनी सारी तकलीफें हो वहां मजा क्या है, क्रिकेट है वहां। पुरानी टीम तो लानती ना है, कैच भाई छे, क्या भद्दी तीन चौके उसके बाद छक्का भाई, कामर अनकमल पागल हो गया यार, ले ले इरफान पठान, इरफान पठान ये वेट कर रहा था प्रियांशु पनौती, इरफान पठान की तीन चौके खाए फिर छक्का खा लिया। आकाश सरदार, दिस पाकिस्तानी टीम लुक्स बेटर देन द करंट वन, इससे अच्छा तो इन्हें ही वर्ल्ड कप भेज देते। सुश भाई क्या लग भाई, तीन चौके और फिर छक्का, सॉरी सॉरी 12-6 18 रन हो गए भाई चार गेंदों में, वो 31 पे 62। हार्दिक पांड्या बोल रहे हैं उसकी भी दोनों ओपनर्स की स्ट्राइक रेट 200 प्लस हो चुकी है, हो गया बराबर 9.4 में 4 में 125 ओवर में 250 रन बनाओगे। इरफान पठान को तो छोड़ा ही नहीं इन्होंने, क्या पता क्या हो रहा है ये बना भी दे यहाँ पे यार, ये क्या आदमी है यार भाई, बहुत बुरा कुटापा किया है, 19 रन और लास्ट बॉल अब शर्जील और लेफ्टी है वो तो हाँ ना मार दे लास्ट बॉल पे। हार्दिक पांडे यार अब इरफान पठान कर रहे ये तो आके, इरफान पठान ने जितना लिखा ना संडे कैसा रहा पड़ोसियों, आज सारे पड़ोसी देखेंगे, सैटरडे कैसा रहा इरफान, आज सैटरडे कैसा रहा इरफान, आज भाई बहुत ज्यादा 19 रन मार दिए। हार्दिक पांडे ने ट्वीट, किसी दिन ये तमाशा मुस्कुराकर हम भी देखें भाई, छक्का 132 मुंह पे आपके मुक्का मारू, इरफान ने सबसे एक्सपेंसिव ओवर ऑफ द एंटायर मैच, 10 ओवर में 132 रन, 25 रन दे दिए उसने ओवर में, दो छक्के और तीन चौके भाई, क्या चल रहा है पठान, इरफान पठान पड़ोसियों संडे कैसा रहा, पड़ोसी कह रहे इरफान सैटरडे कैसा रहा, बहुत मारा 10 ओवर में 132 रन, अबे कौन बनाएगा इतना रन, हम तो कह रहे थे 160-170 पूरे बनेंगे, तो 10 ओवर में 132 ये बोल रहे थे 160, तो मैंने तो बोल रहे 160-165 ऐसा हो जाएगा, मुझे नहीं आता यहाँ पे भी छक्का आता है एक और तो पाकिस्तान की हालत हो जाएगी, जैसे विराट ने 183 वाले चेस करा था 350 चेस वही हो जाएगा, तीसरा छक्का लोडिंग पेस को लपेटा, मार सकता अभी तो क्राउड में चला गया भाई, टाइम भी छक्का हो जाता है, आपने क्राउड कम था, क्राउड नहीं था, 11 बॉल में 22 रन 200 की स्ट्राइक रेट से खेलते छक्का, छक्का बॉल खाने बता तो रहा सारे इनके फिट है, हमारे वाले सारे पहुंच गए ओवरवेट हो जी, आपने कैसे बोलिंग कराई थी, आप तो ओवरवेट गया क्या लगा, क्या कर रहा है यार, निकल के मार उसको 8 ओवर 89। अब यूसुफ पठान को भेज दो भाई, आ रहा है दोस्तों भाई, ये कर क्या रहा है यार, ये करना है तो फिर आउट हो जाओ यार, कोई दूसरा आएगा आपकी जगह खेलेगा, इसके बाद बैटर ही नहीं है, गुरकिरत मान है ना, गुरकिरत है पहले आ जाता, वो गुरकिरत का तो फॉर्म भी लगा हुआ है, फॉर्म भी रनआउट करवा दिया खुद ही भाग के, बेशर्मी की हद पार हो गई भाई, दो बॉल शॉट खेली तीसरे पे उसको रनआउट करवा दी, सीधा बैटर के हाथ में मार के खेल सकता था ऊपर भेजा, ये जीतेंगे। आपने देखी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए अल्लाह हाफिज़।